हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशुष जांगिड। तो आज हम बात करेंगे हुंडई वर्ना के बारे में। तो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ इसका लुक और ओवरव्यू। तो ये देख सकते हैं आप, ये 2012 मॉडल पेट्रोल गाड़ी है हुंडई। ये रहा इस गाड़ी का बैक लुक। तो ये गाड़ी है 2012 1.6 और ये गाड़ी है पेट्रोल के अंदर। हाँ, पेट्रोल के अंदर गाड़ी है ये। और इसके अंदर मतलब बेस मॉडल के अंदर वो नहीं आते अलॉय व्हील इस गाड़ी के अंदर। और इस गाड़ी में बेस मॉडल में ही 2 एयरबैग आते हैं आगे और स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आते हैं आगे। और ये पीछे देख सकते हैं आप, डिफोगर दे रखा है और यहाँ पे क्रोम की वो पट्टी। और नीचे देख सकते हैं आप, डुअल एग्जॉस्ट है इस गाड़ी के अंदर जो कि लुक पीछे से बहुत ज़्यादा इनहेंस कर रहा है। और ये रिफ्लेक्टर इस गाड़ी के देख सकते हैं आप। और ये पीछे लाइट, अभी तक लाइटों का रंग वैसा नहीं हुआ, बरसात आ रही है, बरसात में शूट कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप। और रियर पार्किंग कैमरा और सेंसर कंपनी से ही 2012, जो कि बहुत अच्छी बात है गाड़ी के लिए। और ये देख सकते हैं इसके अंदर शार्प फिन तो नहीं है, लेकिन छोटा सा एंटीना है गाड़ी के अंदर, देख सकते हैं आप। और इस साइड है फ्यूल लिड लेफ्ट साइड में। और उस टाइम ORVM के अंदर ही ये दे रखा था, क्या बोलते हैं, इंडिकेटर जो भी। बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस में गाड़ी में कोई भी कमी नहीं है। और ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर ब्रिजस्टोन के टायर आते थे उस टाइम से, मेरे हिसाब से मतलब ये उसी टाइम का टायर है। और इस टायर की जो प्रोफाइल है वो देख लेना आप, मेरे हिसाब से ये रहा R15 15 इंच के रिम आते थे इसमें। इसमें ऐसा लुक देखते हैं तो ऐसा कमी नहीं लगती कि भाई इसके अंदर वो अलॉय व्हील की कमी है। और ये रहे इसके, इस गाड़ी में उस टाइम VTV, इस पेट्रोल इंजन का नाम VTV इंजन दे रखा है इसने हुंडई ने। और इसके अंदर देख सकते हैं आगे डिस्क ब्रेक है और पीछे की तरफ भी डिस्क ब्रेक आता था उस टाइम इस गाड़ी में 2000। इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो लोहा मजबूत और अंदर के मटेरियल भी मजबूत है। इसके अंदर 5-स्टार रेटिंग है उस टाइम के अंदर इस हुंडई वर्ना के अंदर। ये देख सकते हैं आप, सेफ्टी के बारे में बात कर चुका हूँ। और इंजन के अंदर परफॉर्मेंस की बात करें तो हुंडई वर्ना का नाम है जो डीजल इंजन में है ना कि पेट्रोल इंजन में, ये बात। और इसके अंदर जो माइलेज है वो कम मिलेगा आपको डीजल इंजन के बजाय हुंडई वर्ना के अंदर। ये तो हो गई इसके इंजन की बात। और ड्रैग रेस करेंगे तो डीजल इंजन ही जीतेगा इससे, क्योंकि पेट्रोल इंजन का इतना नाम नहीं है हुंडई वरना, ओनली डीजल इंजन का नाम है इसके अंदर 1.6। म्यूजिक सिस्टम की अगर बात करें तो इस गाड़ी के अंदर उस टाइम ही म्यूजिक सिस्टम दिया जाता था और बढ़िया है इसकी साउंड क्वालिटी। और इस गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आते थे उस टाइम पे, और आगे और पीछे दोनों साइड मतलब स्पीकर, 4 स्पीकर का कॉम्बिनेशन है इस वरना के अंदर, तो जो इसको म्यूजिक सिस्टम को बढ़िया बना देते हैं। और हाँ, एक बात और, 2012 के मॉडल होने के बावजूद भी देख सकते हैं आप, इस गाड़ी में कहीं पे भी रस्टिंग नहीं देखने को मिलेगी आपको। ये स्क्रैच भी मिल जाएंगे गाड़ी के अंदर, कहीं पे भी रस्टिंग और गलावट नहीं है, देख सकते हैं आप। नीचे रनिंग बोर्ड भी देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी गाड़ी के अंदर रस्टिंग का प्रॉब्लम नहीं। अब बात करें तो सेकेंड हैंड मार्केट में इस गाड़ी की प्राइस 2.75 से लेकर 3.5 लाख 2012 मॉडल का आपसे मांग सकते हैं। पेट्रोल और डीजल दोनों का यही प्राइस है। और अभी दिखा देता हूँ आपको इंटीरियर का भी, इंटीरियर और ये पीछे लैग स्पेस भी गाड़ी के अंदर बढ़िया दिया गया है, देख सकते हैं आप। ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है, मतलब 5-8 के बंदे आराम से फिट बैठ जाएंगे इस गाड़ी के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। यही था आज की वीडियो में, तो होप करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। जिसको लेनी है बेशक ले सकते हैं गाड़ी, सेफ्टी वगैरह हर चीज़ बढ़िया। जिसका नई वरना का मतलब बजट नहीं है वो आराम से ले सकता है इस गाड़ी में।